हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभाजी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा आठ का विज्ञान विषय पढ़ेंगे। कक्षा आठ का विज्ञान विषय का छठा पाठ है हम लोग जो पढ़ रहे हैं, और छठे पाठ का ये पांचवा भाग है, यानी कि चार भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, चार वीडियो हम लोग देख चुके हैं। छठा पाठ क्या है आपका? दहन और ज्वाला। तो दहन और ज्वाला से संबंधित हम लोग चार वीडियो देख चुके हैं। एक पहले वाले वीडियो में देखा था हमने दहन क्या है, ज्वाला क्या है। दूसरे वाले वीडियो में देखा था कि ज्वाला के जो विभिन्न रंग हैं उनको देखा था। फिर तीसरे में देखा था हम लोगों ने कि ईंधन क्या है। फिर चौथे में हम लोगों ने देखा था कि हम कैसे नियंत्रण कर पाएंगे अगर कहीं आग लग जाए तो। उसके बाद यह पांचवा वीडियो है, और इस पांचवें वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो मोमबत्ती है ये मोमबत्ती के जलने पर विभिन्न रंग की ज्वाला देती है। जो मोमबत्ती जलती है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉपिक है हमारा ज्वाला, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब गैस का हम लोग स्टोव जलाते हैं तो उसमें से कौन से रंग की ज्वाला निकलती है, नीले कलर की, ठीक है। फिर या मिट्टी के तेल का स्टोव जलाते हैं तो उसमें किस कलर की ज्वाला निकलती है, लकड़ी जलाते हैं तो किस कलर की ज्वाला निकलती है, किस रंग की ज्वाला निकलती है, कोयला जलाते हैं तो क्या ज्वाला निकलती है, नहीं निकलती है, इन सारी चीजों को हमने देखा था। उसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे मोमबत्ती का उदाहरण लेकर के, ठीक। तो यह आपके सामने फिगर है, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए इस फिगर को। और इस फिगर में है क्या, मोमबत्ती के ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। यह चित्र है मोमबत्ती के ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र, यानी कि जो मोमबत्ती जो जलती है तो वो ज्वाला उत्पन्न करती है। तो ज्वाला जो उत्पन्न करती है उस ज्वाला के भी कई क्षेत्र है। हर क्षेत्र का तापमान अलग अलग है, यानी कि हर क्षेत्र अलग अलग उष्मा देती है, हर क्षेत्र का उष्मी मान अलग अलग है, और हर ज्वाला का रंग, मतलब जो ज्वाला तो एक ही निकल रही है लेकिन हर क्षेत्र के ज्वाला का रंग अलग अलग है, वही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये आपका मोमबत्ती है। अब मोमबत्ती में ये आपका जो लगा हुआ है, ये जो उसमें धागा लगा होता है ना मोमबत्ती में, वो धागा है ये आपका मोमबत्ती का। इसी धागे को हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं। जब इस धागे को जलाते हैं तो जलाने पर इसमें से क्या निकलती है, लपट निकलती है ना, उसी लपट को ही कहते हैं ज्वाला। तो ये जो ज्वाला है, ये ज्वाला देखिए ये तीन भागों में बटा है। सबसे पहला है सबसे बाहरी भाग, दूसरा क्या है आंतरिक भाग, और तीसरा क्या है कि एकदम से नीचे वाला भाग। तीन भाग में बटा हुआ है यह, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो सब जो आपका सबसे बाहर वाला भाग, जो मोमबत्ती जलती है तो ये जो सबसे आउटलाइन सबसे बाहर वाला भाग है, तो सबसे बाहर वाला भाग देखेंगे आप लोग, यह जो सबसे बाहरी भाग है ये पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है, यानी कि और इसका रंग कैसा होता है, नीला। तो जब मोमबत्ती जलाएंगे तो जो सबसे बाहर देखेंगे, हल्का सा ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा कि सबसे बाहर वाला क्षेत्र जो है नीले कलर का दिखाई देता है। तो सबसे बाहरी क्षेत्र नीले रंग का है, और वहां पर होता क्या है कि उष्मा बहुत ज्यादा होती है बाहर वाले क्षेत्र में, इसलिए इसे कहते हैं पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र। यानी कि यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की उष्मा मान जो होती है, उष्मी मान सबसे अधिक होता है। इसमें कोई पदार्थ अगर हम जलाना चाहते हैं तो बाह्य क्षेत्र में अगर रखेंगे, चाहे बाह्य क्षेत्र की ज्वाला का को हम प्रवाहित करेंगे, तो वह जो पदार्थ है जल जाएगा या गल जाएगा, समझेंगे अभी हम कैसे। दूसरा वाला पार्ट है कम गर्म का क्षेत्र, यानी कि इसमें क्या होता है, बीच वाला जो सबसे बाहरी है वह सबसे ज्यादा गर्म है, सबसे गर्म भाग है, और जो बीच वाला है वह क्या है, कम गर्म है, यानी कि इससे बाहर वाले से कम गर्म होता है बीच वाला भाग। इसमें क्या होता है, इसके सामने ये लिखे हैं आंशिक दहन वाला मध्य क्षेत्र,
यानी कि और इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। बीच वाला जो ज्वाला में जब मोमबत्ती जलेगी तो उसके बीच में देखिएगा एकदम वो पीले कलर का दिखाई देगा। और इसमें क्या होता है, इसका उष्मीय मान कम होता है, इसलिए अगर इन ज्वाला से किसी चीज को जलाने की कोशिश करेंगे तो वह क्या है, पूर्ण रूपेण नहीं जलेगा बल्कि आंशिक रूप से जलेगा। ठीक है, आंशिक यानी कि कम, पूरा नहीं जल जाएगा एकदम से। फिर तीसरा क्या है, सबसे कम गर्म भाग यानी कि जो नीचे वाला जहां पर बत्ती लगा हुआ है मोमबत्ती का, इसके पास वाला जो सबसे कम गर्म का क्षेत्र होता है, यहाँ पर उष्मा मान इसका सबसे कम होता है। यहाँ पर क्या होता है, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला, यानी कि सबसे अंदर वाला जो क्षेत्र होता है वह किस रंग का होता है, काला होता है। ठीक है, मोमबत्ती का जो बत्ती जहाँ होता है वहाँ उंगली ले जाएंगे तो देखेंगे कि आपके हाथ में ब्लैक कलर का उंगली ना ले जाइएगा, जल जाएगा उंगली। अगर किसी और चीज को ले जाइए, आप स्टील की चम्मच ले लीजिए, उस चम्मच को आप मोमबत्ती का जो ये वाला चीज देख रहे हैं, धागा जो है धागे के पास एकदम अंदर धागे के पास ले जाएंगे तो उस जगह पर क्या होगा, काला पड़ जाएगा वो जो चम्मच है आपका, उस जगह ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यह जलता नहीं है, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए वहां पर काला हो जाएगा। और उसके थोड़ा सा पहले अगर रहेंगे, थोड़ा सा पहले, तो वहां पर आपका कालापन नहीं आएगा, लेकिन उतना तेज वह चम्मच गर्म भी नहीं होगा। और सबसे बाहर वाले क्षेत्र में लगाएंगे तो यहाँ पर पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है, तुरंत गर्म हो जाएगा चम्मच। ठीक, तो यह मोमबत्ती का ज्वाला है आपका, मोमबत्ती का ज्वाला है, ये देख रहे हैं मोमबत्ती है, मोमबत्ती का ज्वाला है। और इसके विभिन्न क्षेत्र है, कितने क्षेत्र है देख लीजिए, सबसे बाह्य क्षेत्र है, बाहर वाला क्षेत्र जो है सबसे गर्म है, जहां पर किसी चीज का पूर्ण दहन हो जाता है। फिर उसके बाद उसके अंदर वाला जो क्षेत्र है वहां पर आंशिक दहन होता है। सबसे कम गर्म वाला, सबसे कम गर्म वाला भाग जो है सबसे नीचे वाला है, और नीचे वाले में क्या होता है, दहन नहीं होता है। बाह्य वाले क्षेत्र के ज्वाला का रंग क्या होता है, नीला। आंतरिक क्षेत्र के ज्वाला का रंग क्या होता है, पीला। और सबसे आंतरिक क्षेत्र का रंग कैसा होता है, काला। ठीक है, तो ये है आपका, इसको देख लीजिए और हूबहू ऐसे ही अपने नोटबुक में बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। तो देख लीजिए इसको आप लोग, मोमबत्ती के ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र, और अपने नोटबुक में बना लीजिए। हट जाते हैं हम, तो ये हो गया है आपका मोमबत्ती के ज्वाला का क्षेत्र। आशा करते हैं कि इसको समझ गए होंगे। ठीक, देखिए होता क्या है, जो सुनार है, अब मिटाते हैं इसको हम, टोटल मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा। जो सुनार है तो आप लोग देखे होंगे, सुनार जब सोने को चांदी को पिघलाता है, और पिघला करके जब नया कोई चीज बनाता है, नया जैसे सोना है आप लोग देते हैं तो उस सोने से उसको गला करते ना, इसको गला करके दूसरा कुछ बना दो, अंगूठी देते हैं, अंगूठी को गला करके माला बना दो चाहे कुछ बना दो, जब सोने को पिघलाएगा तभी ना बनाएगा वह दूसरा आभूषण। तो करता क्या है इसमें वह सुनार, सुनार जो है एक फुकनी होता है, एक लंबा सा ऐसे राड होता है, उस राड से ऐसे क्या करता है, ऐसे फूकता है, मतलब इधर रख लेगा आपका सोना और यहाँ से ऐसे फूकेगा, तो फूकने पर जब ज्वाला इस पे पड़ती है तो वह धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप गलना, वह धातु गलना शुरू कर देता है। कौन से किस ज्वाला को फूकता है, ये जो सबसे बाहर वाला देख रहे हैं आप लोग, ये सबसे बाहरी जो क्षेत्र है, ये सबसे बाहरी क्षेत्र, यहाँ पर लिखा गया था कि ये सबसे बाहरी क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र है और पूर्ण दहन का क्षेत्र है। इसलिए सुनार क्या करता है, जब मोमबत्ती जलाता है तो जला करके वह फूंकता किसके है, इस बाहर वाले क्षेत्र को ही, यहाँ से जो सबसे बाहर वाला क्षेत्र है उसी को फूंकता है धातु के ऊपर, ऐसे एक यहाँ पर ऐसे फुकनी लगा लेता है और लोहे की मतलब धातु की होती है, और यहाँ से क्या करता है, फूंक मारता है तो हवा जाती है, तो बाहर वाला क्षेत्र ही, बाहर वाला क्षेत्र जो है इसी पे फूंकता है, तो यहाँ पर धातु रखी हुई है तो धातु क्या हो जाती है, गल जाती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, जो बोल रहे हैं ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, सुनार धातु को
पिघलाने के लिए मोमबत्ती के ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करता है। या फिर ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि सुनार सोने और चांदी के धातु को पिघलाने के लिए मोमबत्ती के ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र को फूंकता है। नोट कर लीजिएगा जैसे बोले, वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक। तो इसलिए वो फूंकता है क्योंकि इसका तापमान सबसे अधिक होता है, उष्मा सबसे अधिक होती है, और क्या होता है कि ये उष्मा अधिक होने के नाते वह सोना जो है या फिर चांदी है गल जाता है, ठीक है। अगर मध्य वाले क्षेत्र को फूकेगा तो वह मध्य वाला क्षेत्र कम गर्म है और वहां पर आंशिक दहन होता है, पूर्ण दहन होता नहीं है, तो उसे सोना पूर्ण रूप से गल नहीं पाएगा, इसलिए वो बाहरी क्षेत्र को फूकता है, ठीक। दूसरी चीज, ईंधन की दक्षता हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं दूसरी चीज, ईंधन क्या है, मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट हेडिंग है आपका कि ईंधन क्या है, आखिर ईंधन क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि लकड़ी है, कास्ट का कोयला है, पेट्रोल है आपका, लकड़ी है, फिर कास्ट का कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, किरोसिन ऑयल है, किरोसिन आयल है। और चूंकि हम लोग गांव में रहते हैं तो हमको बहुत सारी और चीजें भी मिल जाती हैं। उपला होता है, उपला यानी कि जो गोइठा कहते हैं हम लोग भोजपुरी में गांव में, तो उपला होता है, और उसके बाद ये पुगाल है, इन सब चीजों का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। तो ये सब क्या है, ईंधन ही है ना, लकड़ी, कास्ट का कोयला, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन ऑयल, उपला, पुआल, ये सब चीजें हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्तमान समय में एक चीज और आ गया है, वह है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। किसके रूप में, LPG का इस्तेमाल तो करते ही हैं। उसके क्या है कि जो सिलेंडर में हमारे गैस भरा रहता है LPG है। एक और इधर है CNG है, CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक। और यह लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये सब चीजें जो आप लोग देख रहे हैं, ये सब चीजें हैं आपके ईंधन, ठीक। अब ये बताइए कि इन ईंधन में किसी को आदर्श ईंधन कहा जा सकता है, इन सब में किसी को आदर्श ईंधन कहा जा सकता है, आदर्श ईंधन कहा जा सकता है। भाई आदर्श ईंधन कहने का हमारे क्या तात्पर्य है, आखिर क्या मतलब है आदर्श ईंधन का। आदर्श ईंधन का तात्पर्य हमारे यह है कि वह ईंधन जो जल करके बहुत अधिक मात्रा में उष्मा दे और दूसरी चीज पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। लेकिन देखिए, लकड़ी को जलाएंगे उष्मा देगा लेकिन पर्यावरण को प्रदूषित करता है, कास्ट का कोयला जलाएंगे उष्मा देगा यह भी कुछ प्रदूषित करता है, गैस छोड़ता है हानिकारक, पेट्रोल को जलाएंगे यह भी हानिकारक गैस छोड़ता है, डीजल, केरोसिन ऑयल, उपला सब गैस छोड़ते हैं हानिकारक, LPG जो है यह भी जलता है, LPG भी जलता है, ठीक है, और CNG भी जलता है। अगर हम लोग बात करें आदर्श ईंधन के केस में तो थोड़ा सा हम लोग CNG को कह सकते हैं कि यह सबसे उपयोगी ईंधन है।
ये सबसे उपयोगी ईंधन है, वह इसलिए कि इससे प्रदूषण तो होता है, बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का प्रदूषण होता है, इसलिए सीएनजी को हम आदर्श ईंधन के रूप में ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि सीएनजी की पर्याप्तता उतनी अधिक अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, अभी इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ मोटर वाहनों को चलाने के लिए ही किया जा रहा है। देखे होंगे शहर वहर में गए होंगे आप तो देखा ऑटो के पीछे लिखा होगा सीएनजी, सीएनजी ऑटो, यानी कि वह इस नेचुरल गैस से चलता है वह ऑटो, ठीक है। तो यह इससे प्रदूषण कम होता है, धुआं हुआ कम निकलता है, लेकिन एकाध गैसें निकलती हैं इससे जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ठीक। आदर्श ईंधन इनमें से किसी को नहीं कहा जा सकता, अगर कहा जा सकता है किसी को तो वह है कौन, सीएनजी है, ठीक। ईंधन की दक्षता आप देख लें, दक्षता क्या होता है, ये ईंधन क्या है समझ में आ गया है आप लोगों को। अब ईंधन की दक्षता क्या है, ईंधन की दक्षता, दक्षता का मतलब क्षमता, पावर, ईंधन की दक्षता का मतलब क्षमता क्या है, पावर क्या है। तो यह कैसे नापेंगे कि ईंधन की दक्षता क्या है, भाई दक्षता कैसे नापेंगे कि लकड़ी के जलने पर कौन सबसे ज्यादा ऊष्मा देता है, कौन सबसे ज्यादा ऊष्मा देता है, जो सबसे ज्यादा ऊष्मा देगा उसकी दक्षता सबसे अधिक होगी, ठीक है। क्या लकड़ी, अगर मान लीजिए एक प्रयोग के द्वारा आप लोग खुद देखिए कि आप लोग क्या है कि एलपीजी गैस ले लीजिए, तीन चीजें एलपीजी ले लीजिए, एलपीजी गैस ले लीजिए, गोबर का उपला ले लीजिए, क्या है गोबर का उपला ले लीजिए, या फिर आप लकड़ी ले लीजिए, ये तीन चीजें जो हमारे गांव में क्या है कि मौजूद है, इन तीन चीजों को जला करके आप पानी गर्म करिए, क्या करिए पानी गर्म करिए। जब इन तीन चीजों को जलाकर पानी गर्म करेंगे तो ध्यान से देखिए, एक साथ तीनों को रख दीजिए, तीनों को जलाकर एक तरफ एलपीजी गैस जला दीजिए, एक तरफ लकड़ी जला दीजिए, एक तरफ गोबर का उपला, और सब पे समान मात्रा में पानी, एक एक लीटर पानी ले लीजिए, एक लीटर पानी गैस पे, एक लीटर पानी उपले पर, एक लीटर पानी लकड़ी पर रख दीजिए। देखिए कि कौन सा पानी किस पे रखा हुआ पानी सबसे पहले उबलने लगता है, जो जिसपे रखा पानी सबसे पहले उबलने लगेगा, सबसे पहले गर्म होगा, तो यह माना जाएगा उसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। तो जब हम लोग इस प्रकार से देखेंगे तो एलपीजी जो गैस है इसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, गैस पे आप जब रखेंगे पानी को गर्म करने के लिए तो यह बहुत जल्दी पानी इस पे गर्म हो जाएगा, उपले पर सबसे लेट में होगा, लकड़ी पर उसके बाद, ठीक है, सबसे पहले एलपीजी पर, उसके बाद लकड़ी पर, तब गोबर के उपले पर पानी गर्म हो पाएगा। यानी कि अगर बात किया जाए ईंधन की दक्षता के बारे में तो सबसे अधिक दक्ष ईंधन कौन है, एलपीजी गैस है, सबसे अधिक दक्ष ईंधन कौन है, एलपीजी गैस है इन तीनों में, ठीक है। अब परिभाषा क्या होता है ईंधन की दक्षता का, ईंधन की दक्षता का परिभाषा आपको बोल दिए, ऐसे नोट कर लीजिएगा, जो ईंधन जलने पर सबसे अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करे, उस ईंधन को, उस ईंधन की इस क्वालिटी को ईंधन की दक्षता कहते हैं, या फिर ऐसे लिख लीजिए, ईंधन के जलने पर जिसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक हो उस ईंधन को सबसे दक्ष ईंधन कहेंगे, और ईंधन के इस गुण को ईंधन की दक्षता कहेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए अब से ध्यान से सुन करके। ईंधन के जलने पर जो सबसे अधिक ऊष्मा दे उसे दक्ष ईंधन कहेंगे, और ईंधन के इस गुण को ईंधन की दक्षता कहेंगे, नोट कर लीजिएगा। अब ईंधन के जलने पर जो उसका ऊष्मीय मान होता है, ऊष्मीय मान कैसे निकालेंगे कि किसका ऊष्मीय मान कितना है, ठीक है, तो ऊष्मीय मान का जो मात्रक है
इसको मिटाते हैं, है क्या आपका उसमी मान, उसमी मान। तो उसमी मान, उसमी मान जो है इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है आपका किलो जूल प्रति किलोग्राम, ऐसे लिखते हैं किलो जूल प्रति किलोग्राम, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं इसको पूरा किलो जूल प्रति किलोग्राम, यह मात्रक है किसका, उष्मीय मान का, ठीक है। तो अब इसका अगर परिभाषा देना रहे तो परिभाषा हम क्या कैसे देंगे, तो परिभाषा देना है तो लिख लीजिएगा, लिख दे रहे हैं, किसी ईंधन के एक किलोग्राम, एक किलोग्राम दहन होने पर, दहन होने पर उत्पन्न हुई उष्मा की मात्रा को उष्मीय मान कहते हैं, ठीक। एक किलोग्राम किसी ईंधन के एक किलोग्राम, एक लिखे है किसी ईंधन के एक किलोग्राम दहन होने पर उत्पन्न हुई उष्मा की मात्रा को उष्मीय मान कहते हैं। नोट कर लीजिएगा ऐसे, किसी ईंधन के एक किलोग्राम दहन होने पर उत्पन्न हुई उष्मा की मात्रा को उष्मीय मान कहते हैं। मात्रक क्या है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी कि एक किलो लकड़ी के जलने पर जितना उष्मा निकलेगा वही उस लकड़ी का उष्मीय मान होगा। एक किलो एलपीजी गैस के जलने पर जो उष्मा निकलेगी वही उस गैस का उष्मीय मान होगा या उस गैस का दक्षता होगा, ठीक है। तो दक्षता को हम ऐसे नापेंगे कि किसी ईंधन ले लेंगे, तीन ईंधन, तीनों ईंधन का एक एक किलो लेंगे और तीनों ईंधन के एक एक किलो को जलाएंगे, जलाने पर सबका उष्मा देखेंगे कि एक किलो जलाने पर सबका उष्मीय मान कितना कितना है, तो उसी को हम कहेंगे ईंधन की दक्षता। जिसका उष्मीय मान सबसे अधिक है वह सबसे दक्ष ईंधन है और जिसका उष्मीय मान सबसे कम है वह सबसे कम दक्ष ईंधन है, ठीक। समझ में आया इतनी बात। आपके किताब में चार्ट दिया हुआ है, विभिन्न चीजों का उष्मीय मान लिखा हुआ है, उस चार्ट को होमवर्क रहेगा, उस चार्ट को आप लोग अपने कॉपी में हूबहू जैसे किताब में दिया है ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। ईंधन एक तरफ दिया है, गोबर का उपला है, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, और सबका उष्मीय मान दिया है, और सबका उष्मीय मान है आपको उसके सामने नोट करना है। ये किताब से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, एक और टॉपिक बचा है, इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, एक और टॉपिक आपका बचा है कि ईंधन के दहन के हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो है क्या हमारा ईंधन के, ईंधन के दहन से हानि, ईंधन के दहन से हानि, कौन कौन सी हानियां होती हैं जब ईंधन का दहन होता है। तो भाई अगर कोई भी अगर ईंधन आप जलाएंगे,
तो ईंधन के जलने पर गैस निकलेगी, अभी हम बताए हैं गैस निकलेगी, और वह गैस क्या है कि सब हानिकारक गैसें होती हैं, ठीक है। जैसे अगर कोयला आप जलाते हैं, क्या जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो कोयला जलाने पर, नोट करते जाइए, कोयला जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नोट कर लीजिएगा इसको, कोयला जब जलाएंगे तो कोयला जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड नामक एक गैस निकलती है जो अत्यंत विषैली गैस है। कोयला के जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो अत्यंत विषैली गैस है, इसीलिए कभी भी सोते समय घर में कोयले की अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, नहीं तो इतनी विषैली है कि अगर कोयला जला के सो गए और गैस रात भर निकलती रही तो दम घुटने से मृत्यु तक हो जाएगी, इसलिए सोते समय कोयला जलाकर नहीं सोना चाहिए। लकड़ी जब आप जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी के जलाने पर जो गैस निकलती है वह है आपकी कार्बन डाई ऑक्साइड, मैक्सिमम कार्बन डाई ऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा। लकड़ी के जलाने पर कार्बन डाई ऑक्साइड गैस निकलती है, और यह कार्बन डाई ऑक्साइड वायुमंडल के तापमान को गर्म कर देती है, जिसे कहते हैं हम लोग ग्लोबल, क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णायन इसे कहते हैं हिंदी में, विश्व उष्णायन, विश्व उष्णायन कहते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णायन ये क्या है कि कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन होने से वायुमंडल का तापमान गर्म हो जाता है, नोट कर लीजिएगा। विश्व उष्णायन क्या है, इस ग्लोबल वार्मिंग क्या है, नोट कर लीजिएगा। कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जित होने से वायुमंडल का तापमान गर्म हो जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णायन कहते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है, जब वायुमंडल का तापमान गर्म हो जाएगा तो जो ग्लेशियर है, जो बर्फ है, वह बर्फ पिघलेंगे, और वह बर्फ पिघल करके जब समुद्र में जाते हैं पानी में, तो वह पानी का स्तर बढ़ जाता है, और जब जल स्तर बढ़ता है तभी आती है क्या, बाढ़, ठीक है। अब बाढ़ आता है तो वह बाढ़ क्षेत्र जो होते हैं समुद्रों के किनारे वाले क्षेत्र पूरा तबाह हो जाते हैं, ठीक। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं ना कितना बुरा प्रभाव डाल रहा है, पहला तो वायुमंडल का तापमान गर्म कर दे रहा है जिससे गर्मी हम लोगों को अधिक लगेगी, और दूसरा यह ग्लेशियर को जब पिघला देगा तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बाढ़ आएगा, फिर गर्म होगा तापमान तो चक्रवात आएगा, इससे विनाशकारी प्रभाव है इसके, ठीक है। तो इसलिए लकड़ी को जितना हो सके उतना कम आप लोग जलाइए, और कोयले को घर में जला करके मत सोइए। इसके बाद देखिए कि पेट्रोल के दहन से जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पेट्रोल जो डलता है, पेट्रोल के जलने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पेट्रोल के जलने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, और किसके जलने से, डीजल, और डीजल के जलने से, डीजल तथा कोयला दोनों के जलने से डीजल तथा कोयला इसके जलने से सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, ठीक। पेट्रोल के जलने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, डीजल और कोयला के जलने से सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, ठीक। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और नोट करते जाइएगा।
पेट्रोल के जलने से सल्फर के ऑक्साइड और डीजल तथा कोयला के जलने से ये नाइट्रोजन क्या है कि सॉरी पेट्रोल के जलने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड और डीजल तथा कोयला के जलने से सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं और ये दोनों ऑक्साइड जो है ये दोनों ऑक्साइड जब पानी की बूंदों के साथ जब निकलते हैं तो गैस निकलते हैं ना सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर के ऑक्साइड निकले चाहे नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकले तो वायुमंडल में गैस बना लेंगे ना। अब वायुमंडल में गैस जब रहेगा तो यह गैस जब पानी बरसता है तो पानी की बूंदों के साथ जब यह जुड़ जाते हैं तो बना लेते हैं क्या अम्ल और वह वर्षा जब होती है तो उस वर्षा को कहते हैं हम लोग अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा क्या है कि जब पेट्रोल डीजल के जलने से क्रमशः नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में जाते हैं तो यह अत्यंत विषैले गैस होते हैं। यह गैस जब वायु जब पानी की बूंदों से मिलते हैं तो पानी की बूंदों से मिलाकर अम्ल का निर्माण कर लेते हैं और वह वर्षा जब होती है तो उस वर्षा को कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्या है नोट करिएगा कॉपी में। अम्लीय वर्षा से जो है वह जो आपके पोखरे हैं तालाब है इनका पानी अम्लीय हो जाता है। पानी के अम्लीय होने से जो जीव जंतु हैं उसमें वह जीव जंतु पोखरे तालाब के मरने लगते हैं। जो इमारतें हैं इमारतें यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें उनका कलर गिर जाता है। देखे होंगे आप लोग अपने घर का कलर घर में जब पहला वाला बारिश होता है तो कितना बढ़िया कलर कराए रहे ये कलर वह धीरे धीरे छट करके गिरने लगता है अम्लीय वर्षा के कारण गिरता है। ताजमहल का रंग जो पीला हो रहा है वह भी अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। और एक हम लोग कहते हैं कि गर्मी का मौसम में जब फुंसी निकल जाता है पूरा शरीर पे घमौरियां तो कहते हैं पहला बारिश के पानी में नहा लो ठीक हो जाएगा। कोई एंटीबायोटिक नहीं है उसमें अम्ल होते हैं और अम्ल का काम होता है जलाना। कक्षा 7 में पढ़े होंगे आप लोग तो यह क्या करता है जब पानी शरीर पर पड़ता है तो उस फुंसियों को क्या करता है जला देता है जिससे घमौरियां ठीक हो जाती हैं। तो यह अम्लीय वर्षा का प्रभाव है और साथ ही साथ यह दमाघोटू है। यह दोनों सब दमाघोटू है यानी कि हम गैस से हमको क्या होता है घुटन महसूस होगी ठीक है। तो इन सारी चीजों से ये देख लिया है आप लोगों ने कि कोयला के जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड यह भी विषैली गैस है। लकड़ी के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर रही है। पेट्रोल के और डीजल के जलने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड सल्फर के ऑक्साइड पानी की बूंद से मिलकर के अम्ल बना रहे हैं जो वर्षा के रूप में जब जमीन पर पड़ता है तो उसे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का क्या प्रभाव है यह भी हम लोगों ने देख लिया ठीक है। उसके बाद कुछ सीएनजी से भी हल्के फुल्के गैस निकलते हैं वो भी हानिकारक ही है लेकिन क्या है कि सबसे ज्यादा हानिकारक ये चीजें हैं। तो हमने अभी तक देख लिया यह चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट कि ईंधन और ज्वाला क्या है इन हमने पूरा दहन और ज्वाला क्या है इसके क्या लाभ हैं क्या हानियां हैं पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा जितना कहे हैं नोट कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा अपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।